नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माउंट एवरेस्ट दिवस के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट दिवस के बारे में कि कब से शुरुआत हुई माउंट एवरेस्ट दिवस की और क्या कारण है माउंट एवरेस्ट दिवस के बनाने का। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। टॉपिक की शुरुआत करते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस के ऊपर। तो नेपाल द्वारा जो है प्रति वर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। कब से आयोजित किया जाता है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। 29 मई को नेपाल सरकार के द्वारा माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। 1953 में इसी दिन 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। पहले व्यक्ति सफलतापूर्वक चढ़ने वाले कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और जो तेनजिंग नॉर्गे जो थे वो इनके गाइड थे। एडमंड हिलेरी जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई करी थी। और 29 मई को नेपाल के जो ये हैं दोनों हैं, इन्होंने नेपाल के तेनजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी थी। इसीलिए 29 मई को नेपाल सरकार के द्वारा 2008 से जो है एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नेपाल ने 2008 से जो है एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये क्यों किया? जब महान पर्वतरोही हिलेरी का निधन हुआ तो उनके याद में उन्होंने 2008 से जो है माउंट एवरेस्ट दिवस मनाने का फैसला लिया। और 2008 से प्रतिवर्ष माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है माउंट एवरेस्ट के क्षेत्र में जो है वो कार्यक्रम किए जाते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाते हैं, पर्वतरोही सी बातें होती है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा और नाम से जाना जाता है। सागरमाथा नेपाल में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और तिब्बत में क्या नाम जिसे जाना जाता है? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा तिब्बत में, चीन में नाम से पुकारा जाता है चोमोलुंगमा, नेपाल में सागरमाथा। ये दो नाम माउंट एवरेस्ट के हैं। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और चीन में जो है चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यही था माउंट एवरेस्ट दिवस के ऊपर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।